नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये हमारे पास एक 14 इंच का बेस्टोन का सीआरटी टीवी आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए, जिसमें प्रॉब्लम क्या है, जब मैं इसमें लाइन देता हूँ तो देखिए इसका इंडिकेटर ग्लो हो रहा है और 10-15 सेकंड के बाद जो है इसका स्क्रीन पे लाइट आता है और कभी कभी तुरंत भी आ जाता है। और मतलब टीवी जो है चलता है और कभी 10 सेकंड में बंद हो जाएगा, कभी एक मिनट में, कभी आधा मिनट में, मतलब कभी भी चालू होगा कभी भी बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अभी तक जो है टीवी चालू नहीं हुआ है और किट में जो है ड्राई शोल्डर का भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किट को हिलाने डुलाने पर भी टीवी नहीं चालू होता है और जब चलता है तो हिलाने डुलाने से भी जो है बंद नहीं होता है। तो ये टीवी में ड्राई शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार ड्राई शोल्डर के लिए चेक कर लेंगे। तो चलिए इसका किट को मैं दिखा देता हूँ, किट का क्या कंडीशन है। तो दोस्तों देखिए किट को मैं जस्ट अभी खोला हूँ और इसमें कुछ भी काम नहीं किया हूँ, सिर्फ इसमें धूली गर्दा जो था उसको जो है साफ किया हूँ। देख सकते हैं कहीं से कोई सोल्डिंग नहीं है, नया सोल्डिंग। और मैं माइक्रो कैमरा से दिखा देता हूँ, किट में ड्राई शोल्डर भी मुझे नहीं नजर आ रहा है। देखिए ईएसटी का इधर से दूसरा नंबर पिन जो है ड्राई शोल्डर है, तो वो पिन खाली है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जगह भी देख लेते हैं। अब किट को एक बार पलट करके इधर देख लेते हैं कि कोई कंपोनेंट जो है वो फिजिकली डैमेज तो नहीं है, जैसे कि कोई कंडेंसर फूला वगैरह तो नहीं है, कोई रेजिस्टेंस जो है जला हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो एक बार बारीकी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका पीटीसी जो है वो फटा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका पीटीसी बदल के देख लेंगे और भी देख लेते हैं। इस तरह का केस में 160 वोल्ट का कंडेंसर जो होता है वो खराब रहने से भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो 160 वोल्ट वाला कंडेंसर कौन सा है, देखिए देखिए यहाँ पे ये वाला कंडेंसर है 160 वोल्ट का, तो ये वाला कंडेंसर खराब रहने से भी इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी जो है ये पीटीसी बदलते हैं और ये कंडेंसर बदल के देख लेते हैं। सबसे पहले तो पीटीसी बदल लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इसका पीटीसी को मैं खोल दिया हूँ और पीटीसी को खोल के लाइन देने के बाद भी जो है टीवी हमारा ऑन नहीं हो रहा है। देखिए इसमें एलईडी जो है ग्लो हो रहा है और एलईडी जो है भग भुक इस तरह करता है हल्का हल्का कभी कभी, अभी नहीं कर रहा है, देखिए अभी कर रहा है। तो इसका वोल्टेज चेक करते हैं, इसके बाद में इसका कंडेंसर को देखेंगे। तो देख लेते हैं कि इसका पावर सप्लाई में जो है कहाँ पे कितना वोल्ट आउट हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसका पावर सप्लाई का 110 वोल्ट चेक कर लेते हैं जो ईएसटी पे जाता है। तो देखिए यहाँ पे 82-83 वोल्ट मिल रहा है, जो कि बहुत कम मिल रहा है, 110 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए, जो कि बहुत कम मिल रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम से भी जो है टीवी हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो सकता है। और बाकी का सप्लाई भी देख लेते हैं, 5 वोल्ट। देखिए इधर साउंड आईसी में चला जाता है, यहाँ पे कम से कम 12-15 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 3 वोल्ट मिल रहा है और 160 वोल्ट के जगह 82 वोल्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसका कंडेंसर बदल के देख लेते हैं 160 वोल्ट वाला,
अगर 160 वोल्ट का कंडेंसर बदलने से नहीं होगा तो फिर ये प्रीसेट को चेंज करके देखेंगे या सॉरी प्रीसेट को एडजस्ट करके देखेंगे। तो अभी तो सबसे पहले ये वाला कंडेंसर है इसको बदल के देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो कंडेंसर है इस कंडेंसर को मैं चेंज कर दिया हूँ। ये 47 mf 160 वोल्ट का कंडेंसर है और इसके जगह पे मैं 100 mf 200 वोल्ट का कंडेंसर डाला हूँ। तो ये कंडेंसर डालने के बाद भी जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। फिर जो है ये प्रीसेट को जो है हम एडजस्ट किए, तो ये प्रीसेट को एडजस्ट करने के बाद क्या होता था कि 110 वोल्ट बनाता था और फिर जो है कुछ सेकंड में जो है 10 सेकंड में जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। तो ये 2K का प्रीसेट है, तो हमारे पास अभी 2K का प्रीसेट नहीं था, तो इसके जगह पे देखिए मैंने 3K का प्रीसेट लगाया हूँ। सॉरी 3K का रेजिस्टेंस जो है मैं जम्फर कर दिया हूँ, देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये प्रीसेट के जगह में 3K का रेजिस्टेंस लगाने के बाद में इसका जो वोल्टेज का प्रॉब्लम था, जो ड्रॉप हो रहा था, वो ठीक हो गया और टीवी हमारा चालू हो गया। लेकिन हमेशा पावर सप्लाई किरकिर 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 इस तरह आवाज़ कर रहा था। तो हमने बारी बारी से सभी PF को इस तरह हाथ लगा करके देखा, तो यहाँ पे एक PF जो है, यहाँ पे ये PF जो गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो हो सकता है कि ये PF भी ख़राब हो, तो इसके लिए ये PF को मैं खोल दिया हूँ। तो ये PF को खोलने के बाद में पावर सप्लाई बिल्कुल जो है ओके है, ज़रा सा भी आवाज़ नहीं करता है और टीवी चल रहा है। 15 मिनट तक जो है चला के देखें, अभी जो है मैं लाइन दे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए टीवी में मैं लाइन दे दिया हूँ, इसमें AV का कनेक्शन भी करके मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों टीवी को हमने करीब 15 से 20 मिनट जो है चला करके देखा, पर एक बार भी जो है बंद नहीं हो रहा है। तो यही जानकारी देना था आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो।